गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ संध्या। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस फाइंड इंडिया चैनल के जीके के इस कार्यक्रम में। मैं राम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले दो दिन क्लासें कंटिन्यू नहीं हो पाई हमारी जीके क्विज की, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आज से प्रारंभ करते हैं। और आज की इस क्लास में आप सभी के सामने पहला सवाल है कि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के लिए भारत में स्वागत हेतु किस स्मारक का निर्माण करवाया गया था। CHSL 2021 ने पूछा इसे। ऑप्शन देखिएगा, बॉम्बे कैस्टल, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल या फिर छतरी ब्राइटन। निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? और प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें सही उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो देखिए, मुंबई का जो सबसे प्रसिद्ध स्मारक है आपका दक्षिण मुंबई में वाटर फ्रंट पर स्थित आपका जो गेटवे ऑफ इंडिया है, वैसे बात करें इसकी तो देखिए 26 मीटर ऊंचा है ये, एक बेसाल्ट आर्च कहा जाता है इसे। तो ये दिल्ली दरबार के समय वहाँ पर आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में आपके किंग जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी के स्वागत हेतु मुंबई के सबसे प्रसिद्ध स्मारक गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो इसे दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार से पहले किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के यादगार के रूप में इसको बनवाना प्रारंभ किया गया था। 1924 में आपके गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया। 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपका बन करके पूरी तरीके से तैयार हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न है आपका MTS 2023 से संबंधित कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र या फिर समाजवादी। कि मतलब संविधान में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र या फिर समाजवादी, किसका उल्लेख नहीं है प्यारे अभ्यर्थियों? तो बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो सही उत्तर है आपका संघवाद। भारतीय संविधान में प्यारे अभ्यर्थियों जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र तथा समाजवादी शब्द का उल्लेख मिलेगा आपको। प्रस्तावना जो है, जिसे प्रेम्बल भी कहते हैं हम, प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक हिस्सा है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में, केशवानंद भारती का जो मामला था केरल राज्य के खिलाफ, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का एक हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में आपको संघ शब्द का मतलब कि संघ शब्द का जिक्र मिलेगा, परंतु पूरे संविधान में अगर नज़र डालें तो प्यारे अभ्यर्थियों आपको संघवाद जैसा शब्द नहीं मिलेगा। तो सही उत्तर है आपका संघवाद। अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि महानदी नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके से निकलती है, इसके जलग्रहण क्षेत्र का कुछ विस्तार महाराष्ट्र में भी है, यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी नदी है, यह अरब सागर में जाकर के गिरती है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है प्यारे अभ्यर्थियों? और बात करें तो सही उत्तर है यह अरब सागर में जाके गिरती है, यह अरब सागर में जाकर के गिरती है, ये वाला जो आपका कथन है ये आपका असत्य है। ये जो कथन है आपका ये कैसा है? असत्य है प्यारे अभ्यर्थियों। महानदी की बात करेंगे तो देखिए, महानदी जो है कोयल और संख नदियों के संगम से मिलकर के छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले के सिहावा पर्वत से निकल करके पूरब एवं दक्षिण पूरब की ओर बहती हुई कटक के निकट एक बड़ा सा एक डेल्टा बनाती है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों इस महानदी नदी के बारे में, तो ये जो है लगभग 860 किलोमीटर लंबी नदी है, इसके जलग्रहण क्षेत्र का जो कुछ भाग है ये आपके महाराष्ट्र क्षेत्र में भी मिलेगा। और प्यारे अभ्यर्थियों बाद में जाकर के महानदी जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, यानी कि जो आपका ऑप्शन है कि ये अरब सागर में जाकर के गिरती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। महानदी जो नदी है आपकी, आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य से जो है तो सियावा पर्वत से उत्पन्न होती है ये, और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, अरब सागर में जाकर के नहीं गिरती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। SSC CPSI 2019 में पूछा गया था इसे कि PMGY का पूर्ण रूप क्या है? PMGY का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कौन सा उत्तर प्यारे अभ्यर्थियों आपका सही होगा? और बात करें PMGY का पूर्ण रूप क्या है, तो PMGY का पूर्ण रूप है आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो ये योजना है तो भारत सरकार की एक
बहुत ज़्यादा मतलब अति महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत गांव के विकास को लेकर के जो आवश्यक पहलू हैं उन सभी आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखकर के भारत सरकार द्वारा विभिन्न सहयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, मतलब विशेष तरीके से तीन कार्यक्रम हैं जो मुख्य रूप से आपके प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका मिड डे मील योजना हो गया, यानी कि दोपहर में बच्चों को जो मध्यान्ह भोजन दिया जाता है वो इसी के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ समेकित बाल विकास योजना है, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। और जो आपकी किशोरी शक्ति योजना है, ये किशोरी शक्ति योजना यानी कि ये तीनों जो योजनाएं हैं, ये जो तीनों कार्यक्रम हैं इसी के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं। PMGY प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस जनपद में कहाँ पर स्थित है? NTPC 2021 ने पूछा है कोलकाता, पटना, मालदा या फिर हाजीपुर। और प्यारे अभ्यर्थियों, सही उत्तर होगा आपका हाजीपुर। ठीक है, यानी पूर्व मध्य रेल का जो मुख्यालय है वो आपका हाजीपुर में स्थित है। डी ऑप्शन प्यारे अभ्यर्थियों आपका बिल्कुल सही होगा। साथ ही साथ अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो जो भारतीय रेलवे है, इस भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है, जिसके 70 डिवीज़न मिलेंगे आपको। 18 जोन और 70 डिवीज़न है भारतीय रेलवे को। अगर एक दृष्टि में अगर देखने का प्रयास करें तो उसका सबसे मुख्य बात तो यही है कि भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है और 70 डिवीज़न में बांटा गया है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो 18 तो नहीं, लेकिन कुछ मुख्य जो है तो देखते हैं। जैसे आपका पूर्व मध्य रेलवे हो गया, पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपका हाजीपुर में है। साथ ही साथ प्यारे अभ्यर्थियों, जो पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय ये आपका कोलकाता मिलेगा। पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपको जबलपुर में मिलेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपको बिलासपुर में मिलेगा। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपको इलाहाबाद में मिलेगा। पूर्वी तटीय जो रेलवे है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा भुवनेश्वर में। ठीक है, तो भारतीय रेलवे को कुल मिलाकर के 18 जोन में और 70 डिवीज़न में बांटा गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? RRB ग्रुप डी 2022 ने पूछा था कि इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन कब किया था, 1956, 1978, 1966 या फिर 1970। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों आपके सही उत्तर की, तो सही उत्तर होगा आपका 1966, यानी सी ऑप्शन प्यारे अभ्यर्थियों आपका बिल्कुल सही होगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो देखिए इंदिरा गांधी सरकार ने 1966 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया था। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो देखिए विदेशी निवेश ना हो पाने की वजह से, या कह सकते हैं कि विदेशी विनिमय सीमित हो जाने से, तथा उस समय आपका 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के फलस्वरूप जो हालात जो खराब हुए थे हमारे देश में, इन सभी खराब हालातों से निपटने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने इस कदम को उठाया था। यानी 1966 में आपका रुपए का क्या किया गया था, अवमूल्यन किया गया था। और प्यारे भारतीयों बात करें तो भारत में रुपयों का अवमूल्यन कब और कितनी बार हुआ है, तो प्यारे भारतीयों रुपयों का जो अवमूल्यन है वो कुल आपका 3 बार हुआ है। बात करें तो सबसे पहले प्यारे भारतीयों 1949 में, इसके बाद आपका 1966 में, और इसके बाद आपका 1991 में। ये 3 जो है तो सन है जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया था भारत सरकार द्वारा। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को। अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 2003, 2001 या फिर आपका 1997 या फिर आपका 1999। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर होगा आपका कि लता मंगेशकर को कब भारत रत्न मिला, तो लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था आपका 2001 में मिला था। यानी बी ऑप्शन प्यारे अभ्यर्थियों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो देखिए इनका जो जन्म स्थान लता मंगेशकर का जन्म स्थान आपका इंदौर यानी मध्य प्रदेश में है। साथ ही साथ बात करें तो देखिए इनके उपनाम की, तो देखिए स्वर कोकिला, भारत कोकिला, स्वर सामग्री और क्वीन ऑफ मेलोडी, इन सभी उपनामों से जानते हैं हम लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर के व्यवसाय की बात करें, देखिए इंडियन प्लेबैक सिंगर के साथ साथ वो एक संगीतकार थी, एक सफल संगीत निर्देशक के रूप में भी लता मंगेशकर की पहचान रही हमेशा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो इन्हें कई बार जो है तो इनको इनके जीवन में इन्हें कई सारे विशेष पुरस्कार मिले, जिनमें से अगर विशेष पुरस्कारों की बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों 1969 में लता मंगेशकर को मिला था उन्हें सबसे पहले पद्म भूषण। इसके बाद आपका 1999 में इन्हें पद्म भूषण मिला, और इसके बाद इन्हें 2001 में भारत के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। UPSC 2006 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है, और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन यानी गाजियाबाद जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा घना जिला है। यहाँ के अगर घनत्व की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो
3971 यानी कि 3971 व्यक्ति प्रति किलोमीटर यहाँ का जो है तो जनसंख्या घनत्व मिलेगा आपको। इसके बाद अगले नंबर पे आता आपका वाराणसी। वाराणसी के जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो देखिए 2395 व्यक्ति प्रति किलोमीटर मिलेगा आपको यहाँ का जनसंख्या घनत्व। इसके बाद अगला नाम आता है लखनऊ का। लखनऊ में प्यारे व्यक्तियों आपको 1816 व्यक्ति प्रति किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व मिलेगा। और इसके बाद आता आपका संत रविदास नगर, जहाँ पर आपके जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1535 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और इसके बाद में अंत में आता है आपका कानपुर नगर, जहाँ पर आपका क्या है कि 1452 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जहाँ पर देखा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ तक क्लियर हुआ, अगले प्रश्न की ओर चलें। और अगला प्रश्न है कि यमुना एक्सप्रेसवे है नोएडा से लेकर के ग्रेटर नोएडा तक, या ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, या लखनऊ से लेकर के आगरा तक, या फिर आगरा से लेकर के आपका प्रयागराज तक। और प्यारे व्यक्तियों बात करें इसके सही उत्तर की तो सही उत्तर होगा आपका ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक। ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक आपका प्यारे अभ्यर्थियों बना है यमुना एक्सप्रेसवे। इसकी बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ये जो है तो 165 किलोमीटर लंबा, मतलब कि एक द्रुतिगामी जो है तो आपका एक राजमार्ग है, मतलब एक सड़क है। द्रुतिगामी की बात करें तो बहुत तेज चलने वाला, ठीक है। और जो ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक जाता है, सिक्स लेन है, 6 लाइन आपका जो है तो एक्सप्रेसवे मिलेगा आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा आज के करंट अफेयर का, और इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है। और स्पर्श सेवा की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका रक्षा मंत्रालय, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। स्पर्श सेवा की बात करें अगर प्यारे अभ्यर्थियों तो रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, यानी स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए आपकी सिक्वेंसली अगर देखें बात करें तो देखिए आपके बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आदि जैसी बैंकों के साथ एक समझौता किया है, जो कि रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के इस चीज़ को करार किया गया था। इसके बाद जो स्पर्श सेवाएँ हैं ये देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से भी अधिक शाखाओं में उपलब्ध होंगी, जिसका एक सीधा सा मकसद है पेंशन को लेकर के। तो चर्चा में रही जो आपकी स्पर्श सेवा है, जो आपके बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य जो बैंकें हैं इन सभी के साथ मिलकर के आपके 26,000 बैंक शाखाओं में उपलब्ध होंगी जिनकी सेवाएँ, ये आपके रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। यहाँ तक क्लियर हुआ, अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर सर्वाधिक वोट पड़े थे। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर सर्वाधिक वोट पड़े थे, मछली शहर, इंदौर, लखनऊ, या फिर जाजपुर। और प्यारे अभ्यर्थियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर की तो सही उत्तर है आपका इंदौर, यानी मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश आपका सही उत्तर माना जाएगा लोकसभा चुनाव 2024 में प्यारे अभ्यर्थियों। मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर नोटा पर 2 लाख से भी अधिक मत पड़े। कांग्रेस के प्रत्याशी ने अंत समय पर अपना नामांकन वापस लेकर के बीजेपी का दामन जरूर थाम लिया था। इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा वहाँ के लोगों में थोड़ा सा एक जनाधार प्रभावित हुआ। जो सबसे ज़्यादा नोटा को लेकर के वोट हुआ, ये नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों की अगर बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों 2,18,674 का एक नया रिकॉर्ड है। इस सीट पर अगर बात करें तो इस सीट पर जो है तो बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। और बात करें तो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जाएगा कि नोटा को लेकर के 2 लाख से भी ज़्यादा कहीं मत पड़े थे। तो सही उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे। यहाँ तक क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की। तो इससे पहले कि पिछले क्लास में हमने सवाल पूछा था आपके सामने कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर है, और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों श्रीनगर की डल झील। और सही उत्तर देने वालों में से बात करें तो अमृत अनुरागी, बालवेंद्र सिंह, आरती सिवरे, रेशमा, सीलू, छोटी रानी सहित कई बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आज के सवाल की। तो आज का सवाल है आपके सामने कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, नोएडा, आगरा, फुर्सतगंज, या फिर वाराणसी। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है प्यारे अभ्यर्थियों, सही उत्तर कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे कल फिर से इसी क्लास में इसी समय। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।